देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ घुंडी कैसे डालते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ताना मैंने तान लिया पूरा, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लेंगे और ये दो रस्सी इस रस्सी में डाल देंगे। अब देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पे एक और दो, बहुत ही आसानी से देख लिए, और नीचे येलो वाली रस्सी को रेड वाली रस्सी छोड़ देंगे ये, और इसमें डाल देंगे। तो ये इस प्रकार से घुंडी आपको डबल घुंडी बनानी है, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स एंड सेस का कमेंट आया था कि डबल घुंडी कैसे बनाते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से घुंडी डालेंगे, दोनों रस्सी में डालेंगे। यहाँ पे ये दो रस्सी हैं, बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस दोनों में ये डालना पड़ेगा। तो देखिए एक इसमें और एक नीचे वाली ले लेंगे, दो रस्सी हो जाएंगी। इसी प्रकार से आपको ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, और हर छः रस्सी बाद में ये मैंने पगात डाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से ताना तान लेंगे, इन दोनों रस्सी में सबसे पहले डाल लेंगे, फिर टाइट कर लेंगे थोड़ी तनतनी टाइट करके, और देखो यहाँ पे एक रस्सी ये है और एक रस्सी नीचे की ले लेंगे। तो ये डबल घुंडी की आपको चारपाई बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स एंड सेस के कमेंट आया था कि घुंडी हमें डबल घुंडी की नहीं पता है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले माई ताना के बारे में पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है, तो वह चैनल पर जाके विजिट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये डबल चैन वाली घुंडी वाली, देखो ये आपको चैन दिख रही है यहाँ पे और यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपको देखने जाएगी, और आप इसी प्रकार से बनाते रहे दोस्तों। देखो इस प्रकार से दोनों में डल गया हमारा, और एक नीचे रह जाएगी ये, और देखिए यहाँ पे एक नीचे रह गई, एक ऊपर वाले में डाल दिया मैंने। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप डबल घुंडी वाली ये माई और ताना में तानते समय ये चैन आप बना पाएंगे दोस्तों। इसमें बहुत ही फायदा है कि डबल चैन इसलिए डाली जाती है क्योंकि इंटरलॉकिंग रही दोस्तों। अब ये धीरे धीरे पूरी चारपाई में माई के साथ साथ हम चलते रहेंगे, और ये गूंथ जाएगा, हमारा ताना तन जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत सी वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे देखिए, विजिट कीजिए, तो वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, आप भी इसी प्रकार से धीरे धीरे अपनी चारपाई में ताना तानिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।